फिर से लेके आए आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज़। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो वीडियो हो सके तो टिल एंड तक देखा करो, हो सकता है कुछ बीच में आपकी न्यूज़ से जाए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो आज भी बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज़ निकल गए सामने, चलो स्टार्ट करते। तो वहीं मैं तो पहली टेक न्यूज़ की तो वन प्लस की तरफ से आ रही। तो वन प्लस की तरफ से दो न्यूज़ आ रही है, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। तो पहले मैं आपको बैड न्यूज़ सुना देता हूँ। तो जो वन प्लस 8 सीरीज आपको पता ही है हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन जो वन प्लस 8 प्रो है इसमें जो जिन लोगों ने रिव्यू किया है वन प्लस 8 प्रो का, उनको एक दिक्कत देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं क्या ग्रीन टी इशू उनको देखने को मिला, मतलब जैसे ब्राइटनेस कम कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ब्राइटनेस कम कर दोगे तो ग्रीन टी इशू दिखाई दे रहा है, जिससे वो लोग कहीं बाहर आउटसाइड जाते थे तो सो सकते हो ग्रीन टी इशू दिखाई दे रहा है। और वहीं पर तो उसको ठीक कर दिया गया, तो एक और इशू निकल के आया ब्लैक टी, तो जिससे भी फ़ोन को पूरा दिक्कत होने का पड़ा। तो आप सोच सकते हो इतना महंगा फ़ोन, एक्सपेंसिव फ़ोन है, और फिर भी देख सकते हो इशू निकल के आया वन प्लस 8 प्रो में। अब देखते हैं कब तक जल्दी ठीक हो जाए, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सोच सकते हो, नहीं तो आपको ये झेलना पड़ेगा इंडिया में भी आपको। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो आपको गुड न्यूज़ की मैं बात करूँ तो जो वन प्लस 8 प्रो है उसके जो पॉपअप कैमरे वाला सेल्फी फोन है, तो मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइस आखिरकार रिव्यू हो चुकी है। ये वन प्लस 8 प्रो पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला आपको देखने को मिलेगा 12 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 60,999 देखने को मिलेगी। तो आप सोचते हो जब ये सेल पे जाएगा जब खरीद सकते हो, लिमिट लोगों को ही ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप वन प्लस 8 प्रो पॉपअप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद पाओगे। अगली टेक्निक की मैं बात करूँ तो व्हाट्सएप की तरफ से आई, तो बैड व्हाट्सएप की तरफ से मैं आपको बैड न्यूज़ सामने आई है। तो आप सोचोगे आप क्या बैड न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ व्हाट्सएप पे आपको पता ही होगा जो पहले से ही फेसबुक है वो व्हाट्सएप के ऊपर एड्स डालने की प्लानिंग में, तो 2018 से ही वो लोग एड डालने की प्लानिंग में, लेकिन पहले रिव्यू भी दिया तो वो लोग पीछे हट गए थे, ठीक है, आपको पता ही होगा व्हाट्सएप। लेकिन अभी फिर से न्यूज़ सामने है कि व्हाट्सएप फिर से व्हाट्सएप में एड्स डालेगा। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो व्हाट्सएप पे जैसे ही वो लोग पूरे व्हाट्सएप पे डालने वाला स्टेटस में नहीं डालना, पूरे व्हाट्सएप पे आपको ऐड देखूंगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो आप फेसबुक अकाउंट, मतलब जिनका फेसबुक अकाउंट है उन्हीं नंबर से आपको पता होगा फेसबुक अकाउंट भी होगा आपका, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप नंबर है तो जो व्हाट्सएप में आपको फेसबुक का अकाउंट मतलब जो नंबर डाला हुआ है वही टारगेट व्हाट्सअप करेगा, तो जिससे क्या आप उनको जो भी फेसबुक पे आपके नंबर है वो व्हाट्सअप पे भी नंबर होगा ऑफिशियली, तो उनको आप टारगेट कर गया था। जो फेसबुक पे आपको जितने भी नंबर ऐड है तो वो व्हाट्सअप पे टारगेट करेगा और उनको ऐड दिखाएगा। तो आप सोच सकते हो अगर ऐसा होता है फेसबुक पे अकाउंट डिलीट मानना पड़ेगा, लेकिन फेसबुक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो अगर ऐसा होता है, तो सिर्फ अभी बातें चल रही है, कह नहीं सकता हूं कंफर्म, अगर कंफर्म होता है तो पूछो मत, फिर तो हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मैं आपको बताना आप फेसबुक डिलीट मारोगे अगर ऐसा होता है तो। तो अगली टेक्निक से मैं बात करूँ तो सभी कंपनी की तरफ से आ रही, तो मैं आपको बता दूँ सभी कंपनियों ने जिनने आखिरकार प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपको बता दूँ मोदी को रिक्वेस्ट किया है उन्हें जितने भी स्मार्टफोन है आखिरकार एसेसरीज में डाल दिया जाए। पहले उन्हें किया था लेकिन कुछ जवाब नहीं आया वहाँ से, तो आखिरकार उन्होंने सीधे पीएम मोदी को रिक्वेस्ट किया कि भाई कर दो, चालू कर दो, ये भी आपको जो भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लोग वो खरीद पाए। तो वहीं अगर बात करूँ उन्होंने रीज़न भी बताया, क्योंकि आपको पता है सरकार के लिए ऐसे तो देखो सूट एप्लीकेशन है जो सभी फोनों में इंस्टॉल करने के लिए, तो कुछ लोगों के पास ऐसे 200 करोड़ लोग बताए कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप सोच सकते हो 200 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई चालू कर दो कि लोगों को उस एप्लीकेशन में देखने मिल जाए, और वहीं मैं बात करूँ तो लोगों को हेल्प भी हो जाए कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न बताए जिनकी वजह से वो किए। और वहीं मैं बात करूँ तो अब आगे से क्या जवाब आता है कि देखना है बाकी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो टेक्नोलॉजी फील्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी फील्ड है जिसमें 15 करोड़ का नुकसान हो सकता है अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो देखेंगे आखिरकार क्या जवाब आता है। आप क्या सोचते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर लिख के बताना। अगली टेक्निक की मैं बात करूँ तो होनर की तरफ से निकल के आ रही, तो मैं आपको बता दूँ होनर है जो आखिरकार अपने स्मार्टफोन का नेम चेंज कर दिया है। आपको पता ही होगा होनर 10X से नाम आपको देखने को मिलता है, 10X Pro देखने को मिलता है, लेकिन आखिरकार उन्होंने नाम चेंज कर दिया, एक लिस्ट के जरिए पता चला है। मैं आपको बता दूँ क्या नाम से आपको देखने मिलेगा, होनर X10 या होनर X10 Pro नाम से आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता दूँ तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता होगा रेडमी का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है 10X, उसके वजह से उन्होंने नाम चेंज किया। पता नहीं क्यों चेंज किया, तो कुछ गड़बड़ी ना हो इसके वजह से उन्होंने शायद चेंज किया। तो आप सोच सकते हो होनर जी भैया ने तो अपना स्मार्टफोनों का नाम चेंज कर दिया। तो आप सभी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना। तो अगली टेक्निक की मैं बात करूँ तो शाइमी की तरफ से बहुत सारी न्यूज़ निकल के सामने आई, तो मैं आपको बता दूँ शाइमी का जो आखिरकार रेडमी नोट 9 ये स्मार्टफोन है सीरीज़ आखिरकार लॉन्च होने की तैयारी में। तो वहीं मैं बात करूँ तो ये ग्लोबली लॉन्च होने वाली 30 अप्रैल को ये जाने वाली, तो वहीं मैं बात करूँ तो ये ऑनलाइन इवेंट होने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो अगली टेक्निक इसके साथ कुछ नेसेसरीज भी आपको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ कंपनी ने कहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो शाइमी ने कुछ अतरंगी फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की सोच रहे, तो मैं आपको तो कैसा है, मतलब ऊपर से मतलब जो पीछे का कैमरा है वो आगे रोटेट होकर सामने आ जाता है, तो ऐसे आप ये लोग कुछ प्लानिंग करने की तो आप सोच सकते हो। और वहीं अगर बात करूँ तो जो MI 10 यूथ एडिशन या MI 10 Lite आप बोल सकते हो, ये आखिरकार जो इसका ऐसी न्यूज़ टाइमिंग है 25,000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस है रिव्यू आप सोच सकते हो 25,000, जो बेस मॉडल है 25,000 के अंदर आपको देखने, तो अच्छा 765G प्रोसेसर आपको देखने मिलता है, बहुत कुछ आपको देखने मिलता है। तो देखेंगे आखिरकार इसी भी अगर आता है तो आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, कमेंट में जरूर लिख के बताना। बस आज की टेक्निक से यहाँ पे खत्म करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आज की टेक्निक आपको पसंद आएगा। पसंद वीडियो को क्लिक कर दीजिए, पसंद नहीं तो कोई पैंट डिसलाइक कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक्निक आपको देखने मिलेगी। और वहीं बहुत वीडियो देख लें आई बटन पर एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और मेरे को जाकर फॉलो कर सकते हो ट्विटर टिकटॉक एंड यूट्यूब चैनल, इन तीनों जगह पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, सब कीप स्माइल एंड कीप सपोर्ट।